Today we are going to discuss addressing mode. Addressing mode is nothing but it defines the physical address of the data. Whenever we execute the program or execute the instructions or process occurs, then we give the data in the process and instruction, and sometimes give the physical address or identify where the data is stored, which is going to use the particular process. Then this is known as the addressing mode. क्या होता है कि जब कभी हम data को instruction में दे रहे होते हैं या हम data को use करने जा रहे होते हैं, तो वो data कहाँ पर है तो उसकी जो physical location है वो identify करता है और उस data को उस instruction में use करता है. तो हम ये इसको जब हम उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं एड्रेसिंग मोड. इस कंसेप्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं फिजिकल एड्रेस ऑफ द डेटा को. तो ये कितने टाइप के होते हैं? तो इनके टाइप्स जो होते हैं वो हैं, पहला हमारा होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जब इंस्ट्रक्शन when data is given directly to the instruction, जब कोई भी data है और हम कोई instruction या set of instruction है जो perform होने वाला है computer में process, तो उस instruction में हम direct data को use करते हैं तो हम इसको बोलते हैं immediate addressing mode. फिर हमारा types में second आता है register addressing मोड. एम से डिनोट कर दे रही हूँ एड्रेसिंग मोड को. इसमें क्या होता है कि व्हेन डेटा स्टोर्स इन सेम रजिस्टर, मान लीजिए हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया एड में, तो ये सब क्या है कि रजिस्टर में इंफॉर्मेशन इनकी स्टोर हो रही है, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन वी आर गिविंग या सम सी, जो सी हमारा क्या डिनोट करता है ए प्लस बी को, तो हम क्या कर रहे हैं ए में जब हम जो हमारा डेटा है वो सेम रजिस्टर में स्टोर है तो हम ऐसे तो हम इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एंड थर्ड हमारा आता है सॉरी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. थर्ड हमारा आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसमें क्या होता है व्हेन डेटा स्टोर इन सेम मेमोरी लोकेशन, अगर हम किसी डेटा को यूज़ कर रहे हैं मेमोरी उसकी मेमोरी में से डेटा को फेच कर रहे हैं और डेटा हमारा उसी सेम मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, उसको हम डेटा डायरेक्ट एड्रेस मोड बोलते हैं. इसका जैसे एग्जांपल हमारा कोई मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन 20-25 है, इसमें डेटा कोई स्टोर है, तो इसका हम इस डेटा को हम इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस में यूज़ करेंगे. फिर हमारा आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसमें क्या होता है कि व्हेन डेटा स्टोर इन मेमोरी लोकेशन, कोई डेटा है जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर है और वो मेमोरी लोकेशन किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर है, तो इसको हम क्या कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसमें इसको हम ऐसे स्टोर करते हैं कि कोई एक डेटा है जो रजिस्टर में स्टोर है, किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर है, कोई डेटा मेमोरी लोकेशन में है जो मेमोरी लोकेशन किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर है. एंड देन हमारा आता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जब व्हेन इंस्ट्रक्शन व्हेन देयर इज नो डेटा डिफाइंड, कोई डेटा डिफाइन नहीं होता है, कोई डेटा डिफाइन नहीं किया जाता है कि किस पर इंस्ट्रक्शन, बट जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन जानता है कि इंस्ट्रक्शन को पता होता है कि वो किस डेटा पे परफॉर्म करने ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला होता है, ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म. जैसे कि हमारा हो गया एग्जांपल एस कॉम्प्लीमेंट, जो ए का कोई कॉम्प्लीमेंट करना, तो इसको पता है ना कि कोई डेटा डिफाइन किया हुआ है लेकिन हमको पता है कि ए पर एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई एक डेटा दे दिया गया है. एंड देन हमारा आता है रिलेशनल एड्रेसिंग मोड. इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है हमारा, प्रोग्राम काउंटर विच स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, जो दूसरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने जा रहा होता है उसका एड्रेस को वो स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर. तो रिलेशनल एड्रेस मोड में प्रोग्राम काउंटर के साथ जब एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है,
कि कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा प्रोग्राम काउंटर के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन एड्रेसिंग मोड। देन हमारा आता है बेस एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि व्हेन बेस रजिस्टर इज एडेड टू द रजिस्टर एडेड टू द पार्ट ऑफ द एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जब कोई बेस एड्रेस होता है, जब बेस रजिस्टर एड्रेस होता है, उसको हम इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के पार्ट से जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस मोड। ये बेसिकली मेमोरी को ये हमारा रिलोकेशन होता है मेमोरी का, इसमें यूज़ करते हैं, रिलोकेशन इन मेमोरी रिलोकेट करता है। एंड देन हमारा आता है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड। ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड, इसमें क्या होता है कि जब कोई रजिस्टर किसी मेमोरी के थ्रू एक्सेस होता है काम करने के लिए, इंस्ट्रक्शन उस पर परफॉर्म करने के लिए, और उस रजिस्टर में जब मॉडिफिकेशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड। एंड देन हमारा आता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इंडेक्स एड्रेस मोड को हम यूज़ करते हैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो इंडेक्स रजिस्टर का कंटेंट होता है, मान लीजिए रजिस्टर का कोई इंडेक्स कंटेंट होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं पार्ट ऑफ द एड्रेस इंस्ट्रक्शन को, जिसके थ्रू हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा इंडेक्स एड्रेस मोड क्या होता है, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। तो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ अबाउट एड्रेसिंग मोड। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।